नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ट्रेड विधॉनिक चले दोस्तों आज की शुरुआत करते हैं जैसे कि अपने क्वार्टर वन रिजल्ट की सीरीज चले तो उसके अंदर कल ही के दिन मेघबानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड क्वार्टर वन का रिजल्ट आया था रिजल्ट कैसा आया था और आगे ट्रेडिंग सीजन कैसे रहने वाला है इन सब के बारे में बात करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बैलकों का बच्चाना बिल्कुल ना भूलिए जिससे आपको न्यू न्यू वीडियो की अपडेशन मिलती रहे देखिए मॉल मेघबानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड इसके बारे में मैंने समय समय पर आपको कॉल भी दिया और समय समय पर हमारे टारगेट भी हिट हुए हैं तो देखिए इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया तो पहले मैं आपको कंपनी का ओवरव्यू दे देता हूँ फिर हम इस के क्वार्टर वन रिजल्ट का ऑफर भी करेंगे फिर हम आगे ट्रेडिंग सेशन कैसे रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे देखिए मैं कंपनी के बिजनेस के बारे में बताता हूँ तो कंपनी एग्रोकेमिकल के अंदर है और पिगमेंट के अंदर है यानी कलर्स मेकिंग के अंदर है और कंपनी का कंपनी ये तीन चार ही कंपनी जो पिगमेंट सेक्टर के अंदर है और एग्रीकल्चर के केमिकल्स होते हैं उनके अंदर कंपनी काम करती है और पिगमेंट के अंदर ग्लोबली मैन्युफैक्चर के अंदर थर्ड नंबर पे आती है और काफ़ी अच्छे सिगमेंट के अंदर कंपनी काम कर रही है और मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में अपना पूरा एक्सप्लेन किया कंपनी का वर्किंग और कंपनी के बिजनेस मॉडल का रहे हैं मैं आपको पूरा एक्सप्लेन किया था आप प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं कंपनी का ओवरव्यू तो अभी हम बात करें इसका क्वार्टर वन रिजल। तो प्लीज का रिजल्ट तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए देखिए इसका जो रिजल्ट आया था कल के दिन आया था बाईस जुलाई दो को तो रिज़ल्ट तो देखिए आगे तो दिन के टाइम अपडेट हुआ है बट जो रिज़ल्ट आउटकम निकल के आया वो दिन के टाइम निकल के आया था बट इसकी जो अनाउंसमेंट देखने को मिली है, वो रात के बारह एक बजे के आसपास अपडेट देखने को मिली है, हमारे को पूरी कंपनी ने अपना रिजल्ट पूरा अपलोड किया था एन एस सी और बी एस सी की साइट पर तो इनकी जो अर्निंग्स है वो लैक्स के अंदर है इसको थोड़ा सा सिम्प्लीफाई करके समझते हैं कैसा रहस क्वार्टर वन का रिजल्ट देखिए मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड एन एस सी बी एस सी दोनों पर स्टेड है कंपनी तो आज की डेट में इसका मार्केट कैप है तीन हज़ार पाँच सौ उनतालीस करोड़ रुपये का स्टॉक पेज चला इसका टेन पॉइंट फोर का स्टॉक आर ओ सी इसका चला है चौबीस पॉइंट वन परसेंट का बुक वैल्यू इसका सत्तावन पे छः पैसे के रिटर्न ऑफ इक्विटी इसका बाईस पॉइंट छः परसेंट का है डिविडेंड कंपनी ने अभी तक दिया वन पॉइंट जीरो वन परसेंट का और इसका फेस वैल्यू इसका एक रुपये का है अब देखिए कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट अच्छे देने की कंपनी जो कर्जा दिन देने के दिन है एक से घट के सीधा सेवेंटी नाइन होगा ये इंप्रूवमेंट देखने को मिला काफ़ी अच्छा यानी धीरे धीरे कंपनी अपना कर्जा कम करी ये काफ़ी एक पॉजिटिव टाइट्यूट देखने को मिल रहा है अब देखिए इस जून क्वार्टर की बात करते हैं जून दो तो इस क्वार्टर में टोटल सेल हुई है सात करोड़ रुपए की ऑपरेशन प्रॉफिट निकल गया है एक सौ बत्तीस करोड़ नेट प्रॉफिट निकल गया है एक सौ नौ करोड़ रुपएगा अर्निंग पर शेयर निकल गया है फोर पॉइंट का अब लास्ट क्वार्टर से कंपेयर पे मार्च 2022 तो लास्ट क्वार्टर सेल थी 812 करोड़ वो घट के हुई सात सौ तिरासी करोड़ रुपये की ऑपरेशन प्रॉफिट 134 से घट के सीधा 132 करोड़ यानी सेल और ऑपरेशन प्रॉफिट में आपको तीन से पाँच परसेंट डिफ्रेंसल देखने को मिल रहा है और नेट प्रॉफिट भी देखेंगे आप 102 से दो बढ़ के सीधा 109 सौ हुआ है यानी नेट प्रॉफिट हम बड़ा देखने को मिले हमें क्वार्टर क्वार्टर भाई अर्निंग पर शेयर भी 4.02 से बढ़ के फोर हुआ है तो अर्निंग पर शेयर में भी अच्छी खासी बड़ा देखने को मिली हमें क्वार्टर क्वार्टर भाई अब लास्ट ईयर से कंपेयर करता है जून 2021 तो लास्ट ईयर सेल थी चार सौ अट्ठानवे करोड़ वो घट के बढ़ के हुए चार सौ सात सौ तिरासी करोड़ की नेट ऑपरेशन प्रॉफिट अट्ठासी करोड़ से बढ़ के सीधा एक सौ बत्तीस करोड़ हुआ है नेट प्रॉफिट उनहत्तर से उनहत्तर करोड़ से बढ़ के एक सौ नौ करोड़ हुआ है और अर्निंग पर शेयर भी जीरो टू पॉइंट सत्तर से बढ़ के फोर पॉइंट ट्वेंटी नाइन हुआ आप देखेंगे क्वार्टर क्वार्टर वाई थोड़ा सा डाउनफॉल है बट ईयर ईयर भाई और ऑपरेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अर्निंग में बड़ा देखने को मिली हमें वाई काफी अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है ने ऑपरेशन डबल दिखाया एक तरह से सत्तर मोटा मोटा सत्तर परसेंट ग्रोथ दिखाई है आप कंपनी ने वाई अच्छी खासी अच्छा ऑपरेशन प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर के अंदर वहीं क्वार्टर क्वार्टर वाइज देखेंगे आप तो से चार परसेंट का डिफरेंसल देखने को मिला हमें सेल और परसेंट प्रॉफिट में बट नेट प्रॉफिट अर्निंग परेशन में बड़ा देखने को मिली है लेकिन रिजल्ट खराब नहीं है रिजल्ट अच्छा है मिला जुला अच्छा रिजल्ट है क्योंकि रिजल्ट अभी बताऊंगा क्यों इसमें गिरावट का डाउनफॉल देखने को मिला था पहले से हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं तो देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च क्वार्टर के अंदर फोर Uh, 49.41 परसेंट थी प्रमोटर की वह घट के हुई है 49.29 परसेंट हुआ है और एफ की होल्डिंग 1.25 से बढ़ के एक हुई है तो आप देख सकते हैं एफ ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है इस क्वार्टर में साथ ही साथ गवर्नमेंट की होल्डिंग देखेंगे आप 0.04 से बढ़ के जीरो हुई है तो गवर्नमेंट ने, ने भी अपनी होल्डिंग इस क्वार्टर में बढ़ाई है साथ एफआईस ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई इस क्वार्टर में देखिए रिजल्ट तो अच्छा है रिजल्ट का इम्पैक्ट आपको मंडे के दिन देखने को मिलेगा तो उससे पहले देखते हैं रिजल्ट आने के बाद शेयर के अंदर कैसा मूवमेंट था तो वो समझते हैं देखिए रिजल्ट आने के बाद शेयर ने डेढ़ परसेंट गिरावट दिखा चुका था तो ये ओपन होता है एक सौ बयालीस रुपए पंद्रह पैसे पे हाई मार्सन एक सौ अड़तालीस रे बीस पैसे का लो मार्शन एक सौ सैंतीस पे पचपन पैसे का फिफ्टी टू आई एस का एक सौ बावन पे पचास पैसे का फिफ्टी टू लो एस का इक्यासी रुपए दस पैसे का पाँच दिन के अंदर शेयर ने अभी तक साढ़े तीन परसेंट की तेजी दिखाई है वन मंथ के अंदर साढ़े अठारह परसेंट की तेजी दिखा चुका है शेयर सिक्स मंथ के अंदर ये साढ़े छब्बीस परसेंट की तेजी दिखा चुका है और ईयर टू डेट के अंदर भी साढ़े चौबीस परसेंट की तेजी दिखा चुका है यानी तेजी अच्छी खासी दिखा रही है लगातार आपने देखा एक मूवमेंट की तरफ रेली तेजी देखने को मिली इसके अंदर बाकी देखिए इसमें जो कल के दिन जो गिरावट देखने को मिली यानी रिजल्ट आने के बाद ये लाजमी था प्रॉफिट बुकिंग होना लाजमी था और देखिए इंपैक्ट देखने को मिलेगा एक दो दिन और शायद मंडे के दिन थोड़ा सा गिरावट होगी बट यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा क्योंकि देखिए ट्रिपल बॉटम लगा के शेयर आप ट्रेंड के तब जाने को तैयार हो रहा है ट्रिपल टॉप बन चुका है शेयर के अंदर यहाँ से ट्रिपल टॉप बन चुका था बट रिजल्ट का इम्पैक्ट चल रही गिरावट हुई है बट यहाँ से अब तेजी दमकम दिखाएगा अब देखिए यहाँ पे क्या देखने को मिला है ट्रिपल टॉप बनने को तैयार है चार्ट के अंदर बट यहाँ पे शेयर अपने हंड्रेड डेज टू हंड्रेड वन फिफ्टी सात हज़ार ट्वेंटी वन डेज से हमें के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो आपको क्या करना है इसके अंदर आपको बिल्कुल गिरावट के अंदर इसमें बाय करना है अच्छा शेयर है फंडामेंटल अच्छा है तो इसके अंदर एक सौ अड़तीस रुपये के स्टॉप अभी भी इसे बाय कर सकते हैं क्योंकि एक सौ अड़तीस रुपये रुपये अच्छी सपोर्ट लगी हुई है इसके अंदर वहीं से रिबाउंड हुआ था कल के दिन भी तो आपको अगर ज़्यादा वो लगता है तो एक सौ चौंतीस रुपये के स्टॉप से बाय कर सकते हैं इसमें गिरावट तो अब जितने हो चुके थे प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत होगी तो एक के स्टॉप तो से बाय करिए जल्दी इसमें आपको डेढ़ तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म के अंदर यहाँ से तेजी के दमकम और देखने को मिलेंगे आपको और देखिए यहाँ पे एक वॉल्यूम अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है बट गिरावट नहीं है प्रॉफिट बुकिंग है और अच्छे शेयरों के अंदर जब भी गिरावट और बाय करने से रिजल्ट अच्छा है ख़राब नहीं है बिल्कुल भी मौका मिल रहा है आपको इस गिरावट में पार्टिसिपेट करके बाय करिए और बेचने की जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए अभी भी आप इसमें एक के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर आपको डेढ़ तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे आई होप ये वीडियो आपके तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर फॉरवर्ड करना बिल्कुल ना भूलें थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो